हेलो वेलकम गाइज, यहाँ पे मैंने 10 शॉट बनाया है माचिस का यूज करके। तो गाइज दो दिन पहले मैंने 5 शॉट बनाया था माचिस का यूज करके, तो वो गिर गया था गाइज, लेकिन ये एकदम मजेदार है। चलिए फटाफट देखते हैं ये बनता कैसे। तो गाइज जो भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा, जैसे 5 शॉट मैंने बनाया था वैसा ही प्रोसेस होने वाला है गाइज। तो इसमें मैं आपको फटाफट दिखाने वाला हूँ, इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो जो 5 शॉट वाले वीडियो है जो दो दिन पहले अपलोड मैंने किया है उसको जाकर देख सकते हो और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो गाइज। तो यहाँ पर मैं इसे बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड का राउंड शेप का लिया है ये धागे का है गाइज, जो सिलाई करने वाला धागा होता है ना उसी का है ये यहाँ पर कार्डबोर्ड। और इसके अंदर पेपर ठूस कर एक साइड को मैंने जाम कर लिया है और इसे फेविक्विक लगाकर अच्छे से सील कर लेना है और फिर मैं टेप लपेट दूंगा। तो ये देखिए गाइस, और फिर हम इस पे कलर पेपर लपेट देंगे तो जिससे ये रंग बिरंगा दिखने लगेगा और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसमें होल कर और बत्ती वगैरह लगाने के लिए होल करना है गाइस। और माचिस का मैंने बारूद ले लिया है, तो देख सकते हो इसमें इतना क्वान्टिटी बारूद का जाएगा, आप थोड़ा कम भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं बिजली बम यूज़ करने वाला हूँ, तो बिजली बम ले लेना आपको, थोड़ा सा इसका बत्ती कट कर लेना है, ज़्यादा कट नहीं करना है नहीं तो ये नज़दीकी फट जाएगा, और ज़्यादा लंबा रखोगे तो भी ये दिक्कत है गाइस। तो थोड़ा सा बत्ती कट करना है आपको। अब टिश्यू पेपर लपेट कर इसमें अच्छे से ठूस देना है, फिक्स कर देना है। तो देख सकते हो ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है, अच्छे से ये फिक्स हो चुका है गाइस। और इसी प्रोसेस से बाकी सभी को भी बना लेना है। बीच बीच में मैंने बत्ती लगा दिया है और एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है जो इसका बत्ती रहेगा, जो इसका फ्यूज़ रहेगा गाइज। और फ्यूज़ वाली वीडियो में ही मैंने बना रखा है, तो अगर आप फ्यूज़ बनाना चाहते हो, फ्यूज़ कैसे बनाए घर में पटाखे की, तो उसका वीडियो भी है गाइज, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 बना लिए हैं, देख सकते हो इस तरीके से। और इसमें कार्डबोर्ड हम चिपका देंगे जिससे ये स्ट्रेट रहे और एक स्टैंड टाइप का बन जाए गाइज। तो इस तरीके से ये चिपक जाएगा, क्योंकि 5 शॉट वाला जो वीडियो था गाइज वो गिर गया था स्टैंड ना होने के कारण और सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि इसमें पूरा मज़ा किरकिरा हो, तो इसके लिए मैं एकदम अच्छा से इसमें स्टैंड बना दूंगा कार्डबोर्ड से। तो ये देखिए दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, 5 इंच देख सकते हो, दोनों को इस तरीके से चिपका देना है। तो ये 10 शॉट बनकर तैयार है गाइज, और दोनों बत्ती को एक दूसरे में ऐसे ऐड देंगे तो एक साइड का जलकर जैसे ही ख़त्म होगा ये दूसरे साइड अपने आप आ जाएगा, पहुंच जाएगा। और एक और कार्डबोर्ड में मैं ग्लू लगाकर इसे इसके ऊपर चिपका दूंगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से साइड स्टैंड हो गया, अब ये गिरेगा नहीं गाइस, काफ़ी स्टेबल रहेगा आप देख सकते हो। चलिए इसे अब हम जलाते हैं गाइस, ये एकदम रेडी है जलाने के लिए और इसका कमाल देखने के लिए। चलिए, तो आपकी खुली जगह पे आ जाना है, देख सकते हो मैंने छत पे आ चुका हूँ। और साइड साइड में मैं यहाँ पे ईटा का टुकड़ा रख दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि और ज़्यादा स्टेबल हो जाए और यहाँ से हिले नहीं। ये देखिए थोड़ा सा वजन मैं इस पे रख दे रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी स्टेबल हो गया है और ये अब हिलेगा नहीं। चलिए अब इसे जलाते हैं और इसका कमाल देखते हैं गाइस। तो देखा गाइस कितना कमाल का था, जो हमारा 10 शॉट्स था वो सारे के सारे फटे, देख सकते हो कितने कमाल के थे यार, मज़ा आ गया, ऐसा लगा जैसे मार्केट से खरीद कर लाया हो, काफ़ी अच्छा वर्क किया गाइस देख सकते हो। और इसके पूरे जले और आप इसका फिर से रीयूज कर सकते हो,
इसमें फिर से मसाला भरकर और फिर से बिजली बम भरकर इसका रीयूज कर सकते हो गाइस बार बार, जब तक ये पूरा जल नहीं जाता तब तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस इस कमाल के आइडिया के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली गाइस।